हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सर डोनर आयन का कंसेप्ट डिस्कस किया था। डोनर का कंसंट्रेशन। अभी मीनिंग डोनर एनर्जी लेवल का क्रिएशन और ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी, राइट? रोल नंबर 58, मयंक पांडे। अंकित शुक्ला, पति रंग। रोल नंबर 54, कौशिकी गुप्ता। रोल नंबर 46, हर्ष प्रताप सिंह। यस सर, यस। लास्ट क्लास में बेटा क्या डिस्कस हुआ था? सही सर, डोनर आयन का कंसेप्ट प्लस आपने चार्ज न्यूट्रलिटी बताया था लास्ट में। यस तो सर, उसमें आयोनाइजेशन की बात हुई थी। यस सर, हो गई थी। आयोनेशन एनर्जी की भी बात हो गई थी ओके, आयोनाइजेशन क्या होता था? सर। जब डोनर इलेक्ट्रॉन जब डोनर एनर्जी लेवल से
कंडक्शन बैंड में जाता था तो उसको हम लोग आयनाइजेशन कहते थे, और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर होती थी उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे हम लोग। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली बात की थी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि डोपिंग कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल रहा है। उस डोपिंग से हो क्या रहा है, वो डोपिंग क्या कर रही है। बेसिकली दो टाइप की हमने डोपिंग देखी थी, एक तुम्हारी पेंटावेलेंट, एक ट्राईवेलेंट, मतलब एक जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आप डोप करा रहे हो, मतलब ऐसा ऐसी इम्प्योरिटी आप डोप करा रहे हो जिसमें आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 3 हैं, और दूसरा जिसमें आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5 है। तो हमने अभी कल जो बात की थी, कल जो हमने बात की थी कि हाँ एन टाइप पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। एन टाइप में हमने बात की कि इन जनरल तुम्हारा अगर फास्फोरस की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट में तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे क्या होंगे, सिलिकॉन से बॉन्डेड होंगे, जबकि जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो बेसिकली देखा जाए तो वो न्यूक्लियस से अटैच्ड रहेगा, किसी भी तरह की वो बॉन्डिंग नहीं बना के रखा होगा। ठीक, तो जो ये 5th इलेक्ट्रॉन है, यही एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन तुम्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिल रहा था। देन हमने उसकी एनर्जी बैंड डायग्राम पे फोकस किया था, तो हमने देखा कि हाँ उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के साथ में एक नया हमें बैंड मिला, उसको हमने नाम दिया डोनर एनर्जी लेवल। और डोनर एनर्जी लेवल जो था वो बेसिकली क्या था, एक एनर्जी लेवल था जहाँ पे जो ये डोनर इलेक्ट्रॉन, जो ये 5th इलेक्ट्रॉन है, जितने भी फॉस्फोरस हमने डोप्ड कराए हैं उस उन सबके जो 5th इलेक्ट्रॉन है, वो बेसिकली उनकी जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, इस ईडी के बराबर होगी। मीनिंग उनकी जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, इस डोनर एनर्जी लेवल के पास में एग्जिस्ट करेगी। देन हमने डिस्कस किया कि इन केस अगर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव कर रहा है, मीनिंग उसकी एनर्जी वैलेंस बैंड के किसी एनर्जी स्टेट से उसकी एनर्जी इंक्रीज होकर कंडक्शन बैंड की एनर्जी के बराबर हो रही है, तो वो बेसिकली क्या कह रहा है, कहला रहा है बैंड टू बैंड ट्रांजिशन कहला रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है और एक होल जनरेट हो रहा है। राइट, नेक्स्ट हमने बात की कि इन केस अगर हम जब बात करते हैं कि डोनर आयन की या डोनर इम्प्योरिटी की, जो 5th इलेक्ट्रॉन की बात की, तो 5th इलेक्ट्रॉन को जब आप एक माइन्यूट एनर्जी जो कि 10 to 50 mV होगी, उसके बीच में अगर आपने एक माइन्यूट एनर्जी प्रोवाइड की, तो क्या होगा, जो ये डोनर एनर्जी लेवल वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर जाके फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था, मीनिंग कंडक्शन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन उसका स्टार्ट हो रहा था। बट जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था, मीनिंग ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को में इंक्रीमेंट करके जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा था, तो ऐसा नहीं था कि अपने पीछे एक होल को जनरेट कर जा रहा हो, ऐसा नहीं था, यहाँ पे होल जनरेट नहीं हो रहे हैं। तभी हमने ये जाना कि हाँ एन टाइप में जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और होल जो होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। और ये जो प्रोसीजर हमने देखा, जब डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या उसकी एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कंडक्शन बैंड के डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल के बराबर हो रही है, तो उस प्रोसीजर को हमने क्या बोला, आयोनाइजेशन बोला था। और वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे वो डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल में जा रहा है, वो एनर्जी को हमने क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी बोला था। तो यहाँ पे बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, आयोनाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हैं, कोई इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एक पॉइंट यहाँ हमें ये भी देखना है कि देखो जब हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा था। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी में हमें इंक्रीमेंट करना था, वो वैलेंस बैंड में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल के बराबर है, वहां से कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल के बराबर की एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी थी। तब हम 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का एनर्जी हम प्रोवाइड करते थे एक्सटर्नली, तब हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते थे, देन हमारी इलेक्ट्रिसिटी
हमें मिलती थी या कंडक्शन स्टार्ट होता था, कंडक्टिविटी उसमें हम इस सेमीकंडक्टर में देख पाते थे. बट इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर ये जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही हो जा रहा है. जब इतने कम, अब देखना है कंपेरेटिवली जो हमने एनर्जी देनी पड़ रही है 50 मिली इलेक्ट्रॉन के केस में, वो काफी कम है इन कंपेरिजन टू 1 और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स जो तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी अगर हम सेम टेम्परेचर पे, सेम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखें, तो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा होगी. रीज़न, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजिली अवेलेबल हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी कम एनर्जी से ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो रहे हैं. मीनिंग जब जितनी एनर्जी तुमने इंट्रेंसिक में दी होगी, अगर उसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो मे भी हो सकता है जब जब एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को या एन टाइप सेमीकंडक्टर को उतनी ही एनर्जी दे रहे होगे, तो उस एनर्जी में आपको अप्रोक्स 100 मीन्स 20 टाइम्स समथिंग आपको इंक्रीमेंट मिल रहा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, राइट right? देन हमने इलेक्ट्रॉन होल पेयर देखे. इलेक्ट्रॉन होल पेयर बेसिकली हमारे कैसे जनरेट हुए थे, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से. ठीक, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए. और नेक्स्ट बात जो हमने की वो ये कि जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन में बेसिकली हमें दो चीजें मिली. जब आयोनाइजेशन हुआ तो बेसिकली आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से अटैच था, अब वो क्या हो रहा है, उस न्यूक्लियस से को जो न्यूक्लियस की जो भी एनर्जी जिसने उसको बाइंडिंग बाइंड कर रखा हुआ था, उसको वो छोड़ के बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया. मीनिंग अब अपने पीछे जब ये जो अटैच्ड इलेक्ट्रॉन था, फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन जो अटैच था, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना तो अपने पीछे इसने एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ा, और उस पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या बोला है, डोनर आयन बोला हुआ है. उस पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या बोला है, डोनर आयन बोला है. ठीक है, तो ये बात समझिए कि डोनर आयन बेसिकली जनरेट कैसे हो रहे हैं. तो आयोनाइजेशन प्रोसेस में डोनर आयन बेसिकली जनरेट हो रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट ये जो डोनर आयन है ये बेसिकली कैसे हैं, इमोबाइल हैं. और मे बी लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या ये डोनर आयन फिजिकली अवेलेबल होंगे, तो हाँ, ये जो डोनर आयन है एक्सेप्ट होल, केवल होल को छोड़ के बाकी जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर में, चाहे वो अभी डोनर आयन की बात करें या नेक्स्ट अभी एक्सेप्टर आयन की बात करें, वो सारे के सारे फिजिकली अवेलेबल होते हैं. तो और ये कैसे हैं, जो डोनर आयन है ये बेसिकली कैसे इमोबाइल है. इमोबाइल है मीनिंग ये तुम्हारे करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे. ठीक है, मतलब इनकी वजह से हमारे करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, या ऐसा नहीं होगा कि इन करंट का जो जनरेशन हो रहा है इनमें, उसमें इनका कोई रोल नहीं होगा. ठीक, उसके बाद हमने चार्ज न्यूट्रलिटी की बात की. वहां पर हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. तो जब नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो हमारे पास देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली किसकी किसकी वजह से, फर्स्ट जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से होल जनरेट हुए, नेक्स्ट जो जो तुम्हारे आयन जनरेट हुए आयोनाइजेशन की वजह से, जो डोनर आयन जनरेट हुए, और नेगेटिव चार्ज जो है वो किसकी वजह से है, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन और आयोनाइजेशन दोनों के की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उनकी वजह से हमें नेगेटिव चार्ज मिल रहा है. यहां तक में कहीं किसी को कोई डाउट है,
नेक्स्ट एक पॉइंट इसलिए समझेंगे कि इनके जब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जब फर्मी लेवल से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल होंगे, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली या तो डोनर कंसंट्रेशन दिया होगा, बोला जाएगा कि ये कोई पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर है, उसका डोनर कंसंट्रेशन कुछ समथिंग 10^19 पर सेंटीमीटर क्यूब है। मीनिंग यहाँ हमें समझना है कि जो डोनर कंसंट्रेशन है जिसको बोला जा रहा है कि एनडी, ठीक है, ये एनडी देखो जो तुम्हारा डोनर कंसंट्रेशन है वो बेसिकली क्या है, जो तुमने डोपिंग कराई, मतलब जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जो फिफ्थ फ्री इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुए, ये बेसिकली उनका उसका कंसंट्रेशन है। जब डोनर कंसंट्रेशन अगर तुम्हें दिया जा रहा है तो मीनिंग तुमसे बताया जा रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कि जो तुम्हारे फास्फोरस है, फास्फोरस का जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें दो केसेस देखने होंगे। फर्स्ट, जब तुम्हारी डोपिंग काफी हाई हो, मीनिंग हमने जो डोपिंग कराई है वो काफी हाई कराई है, मीनिंग इस तरह से देख सकते हो कि हाई डोपिंग को समझने के लिए कुछ इस तरह से देख सकते हो कि हाँ, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक सिलिकॉन के लिए अगर आप 10^3 पर सिलिकॉन, मतलब 10^3 सिलिकॉन के लिए अगर आप वन डोपिंग डाल रहे हैं, मीनिंग एक फास्फोरस डाल रहे हैं, मीनिंग ये आपकी हाई डोपिंग कहलाएगी। मीनिंग ये रेशियो हम बेसिकली इसको हाई डोपिंग देखें, मतलब हाई डोपिंग का मतलब ये है कि एक जगह हमने कहा कि जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो वहां पे हमने 5 फास्फोरस यूज किए, हमने 5 एलिमेंट ऑफ फास्फोरस से डोपिंग कराई, ठीक है। और दूसरा हमने जगह पे कहा कि हमने वहां दूसरी जगह पे हमने 100 फास्फोरस की डोपिंग कराई, ठीक। मीनिंग हम ये जस्ट एन एग्जांपल है, यहाँ बिल्कुल इस डेटा से बिल्कुल ये नहीं समझना है कि हाँ ऐसा नहीं है कि हम 100 फास्फोरस हम काउंट करके फिर 100 फास्फोरस एंटर कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हाई डोपिंग हो गई, और ये क्या हो गई, लो डोपिंग हो गई। बेसिकली हाई डोपिंग और लो डोपिंग को हम डिफाइन करते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनआई। एनआई क्या है, तुम्हारा इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन। तो इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हमने जो एक्सटर्नल इंप्योरिटी मिलाई है वो इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन से अगर बहुत ज्यादा है, मीनिंग वो हाई डोप्ड है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, अगर वो जो डोपिंग हमने कराई है उस डोपिंग का कंसंट्रेशन इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन के ऑलमोस्ट इक्वल है तो वो, या कंपेरेबल है, तो वो डोपिंग क्या होगी, लो डोपिंग होगी। दो बातें हैं, एक हाई डोपिंग, हाई डोपिंग मीनिंग क्या है, जो तुमने डोपिंग कराई, डोपिंग कंसंट्रेशन जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है एनआई, इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन से काफी हाई है, तो इसको हमने क्या बोला है, हाई डोप से एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। और नेक्स्ट, अगर हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन जो है वो कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट इक्वल है इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन के, तो उस केस में हमारी जो डोपिंग कहलाएगी वो क्या, जो सेमीकंडक्टर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लो डोप्ड सेमीकंडक्टर। या रोल नंबर 49 हर्षप्रीत सिंह, कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, वो गलती से दब गया सर, सॉरी। ओके, तो अभी हमने जब बात की थी यहाँ चार्ज न्यूट्रलिटी की, उसके बाद हम अगर फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस में हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी डोपिंग हाई है, अगर हमारी डोपिंग काफी लार्ज या काफी हाई है, काफी हाई डोपिंग हमने कराई हुई है, हाई डोपिंग कराई है, तो मीनिंग क्या है, जो तुम्हारा डोनर कंसंट्रेशन है, डोनर कंसंट्रेशन का यहाँ मतलब क्या है, जो तुमने फास्फोरस के एटम जो तुमने ऐड किए, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो वो काफी ग्रेटर देन है एनआई से, ठीक। जब ऐसा केस होगा तो वहां पे उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहां देखो ये तुम्हारा जो ये पी है या जो होल का कंसंट्रेशन है, ये बेसिकली क्या है, माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है उनका कंसंट्रेशन है, और ये जो है ये क्या है, मेजॉरिटी कैरियर जो है उनका कंसंट्रेशन है। इस बात में किसी को दिक्कत है? होल्स तुम्हारे जो, जब हम एन टाइप की बात कर रहे थे तो वहां पे होल्स क्या थे, माइनॉरिटी थे,
और इलेक्ट्रॉन क्या थे, मेजॉरिटी थे। तो इस इक्वेशन में जो चार्ज न्यूट्रलिटी की हमने बात की, वहां पे होल क्या है माइनॉरिटी का, ये पी क्या है माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन, और एन क्या है मेजॉरिटी कैरियर जो है उनका कंसंट्रेशन, राइट। तो जब हम केस वन लेंगे जिसमें हम हाई डोपिंग रखेंगे, उस केस में हम जो ये माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन है पी, माइनॉरिटी कैरियर का जो कंसंट्रेशन है उसको बेसिकली हम अपनी चार्ज न्यूट्रलिटी की जो इक्वेशन है वहां से हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, मीनिंग हम ND इज इक्वल टू N लिख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए दो, पहले थ्योरेटिकली इसको देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या आया ND इज इक्वल टू N, फिर थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या क्या रहा है, जब तुम्हारी डोपिंग काफी हाई है, ठीक, हमने अभी तुमसे कहा कि यहाँ पे कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली दो तरह से जनरेट हो रहे हैं, फर्स्ट बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से, और सेकंड तुम्हारा आयोनाइजेशन की वजह से, फर्स्ट तुम्हारा बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से और दूसरा आयोनाइजेशन की वजह से, राइट। तो इन केस अगर हम ये कहें कि जब तुम्हारी डोपिंग काफी हाई है, अगर तुम्हारी डोपिंग काफी हाई है, दैट मींस हम कहना चाह रहे हैं कि जो आयोनाइजेशन से जनरेट होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो आयोनाइजेशन से जनरेट होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इतने ज्यादा हैं कि बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं हम उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, मीनिंग हमने यहाँ पे देखो क्या लिया, ND is equal to N का मतलब क्या है, ये जो ND है ये basically किसका concentration दे रहा होगा, वही free electron के बारे में बता रहा होगा जो ionization से generate हो रहे हैं, ionization से जो generate हो रहे हैं उन free electrons की बात कर रहा होगा। donor ion concentration का मतलब क्या है, donor ion तभी generate हुआ होगा जब ionization हुआ होगा और ionization से free electron generate हुए होंगे। तो ND basically या जो donor concentration है वो basically किसको show कर रहा है, जो ionization से जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उनके कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है ND, और N क्या कर रहा है, N बता रहा है टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन, N बेसिकली क्या बता रहा है टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बता रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने ये कह दिया कि ND इज इक्वल टू N, दैट मीन्स हम कह ये रहे हैं कि जो आयोनाइजेशन से जनरेट होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, या ये कहें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक सेमीकंडक्टर में जब हम कंडक्टिविटी की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हम यूज कर रहे हैं उनका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है आयोनाइजेशन से जनरेट होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन के, मीनिंग जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं उनको हमने काउंट नहीं किया क्योंकि वो इन कंपेरिजन टू आयोनाइजेशन से जनरेट होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन काफी उनकी क्वांटिटी कम है, दैट इज वाई हमने उनको यहाँ पे निग्लेक्ट किया है, ये ठीक। अच्छा इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, यहां हमने बात की जब हाई डोपिंग होगी मीनिंग जो तुम्हारा डोनर कंसंट्रेशन है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन, यहाँ डोनर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो हमने डोनर इम्प्योरिटी ऐड की है उसका कंसंट्रेशन कितना, यानी वो पर यूनिट वॉल्यूम हमने कितनी ऐड की है। तो अगर ऐसा केस है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स को माइनॉरिटी कैरियर के कंसंट्रेशन को इग्नोर या निग्लेक्ट कर सकते हैं, और उस केस में क्या होगा ND इज इक्वल टू N हो जाएगा, मीनिंग डोनर आयन के कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो हम एक तरह से इनडायरेक्ट वे में देखें तो हम कर क्या रहे हैं, जो ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन ये वाला जो N है ये बेसिकली क्या है बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयोनाइजेशन की वजह से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के की क्वांटिटी को कंसिस्ट कर रहा है, ये दोनों ही क्वांटिटी इसमें मतलब इन दोनों का एडअप है, मतलब दोनों का एडिशन है ये, ठीक है। मान लो अगर हमने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हो रहे हैं और 100 तुम्हारे आयोनाइजेशन से जनरेट हो रहे हैं, तो ये दोनों मिला के 104
फाइव टोटल जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बेसिकली है वो ये है, ठीक। और Nd बेसिकली किसके बराबर होगा, इस आयोनाइजेशन के वाले इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। कितने आयोनाइजेशन से जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे ये उनके बराबर होगा, ठीक। तो हमने क्या किया है, Nd is equal to N अगर हम लिख रहे हैं, मीनिंग ये जो फाइव इलेक्ट्रॉन जो बैंड ऑफ बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुए उनको हम इग्नोर कर रहे हैं या उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। रीजन कि हाँ भाई, क्योंकि उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल नहीं रहे कंडक्टिविटी पे, दैट इज वाई हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे। मेन रीजन हमारा कंसिडर ना करने का है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो कुछ इजी हो जाएगी, राइट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हमें देखना है, मास एक्शन लॉ का। मास एक्शन लॉ कहता है कि n इंटू पी, हमने n निकाला था और p, इन जो n इंटू पी होगा मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बेसिकली इक्वल टू होगा ni स्क्वायर के, इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ni स्क्वायर के बराबर होगा और उस समय पे टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। उस टाइम पे टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इनिशियली इस लॉ को हमने चेक किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, बट फिर हमने चेक किया कि हाँ जो ये जो मल्टीप्लिकेशन की क्वांटिटी है मतलब नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बेसिकली हर सेमीकंडक्टर के लिए हमेशा कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे ni बेसिकली कांस्टेंट है, ni किस पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे। इसीलिए हमने कहा कि जब मास एक्शन लॉ की आप बात कर रहे हो तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि किसी भी सेमीकंडक्टर की बात चल रही हो, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, एन टाइप हो, पी टाइप हो, इंट्रिंसिक हो, इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो किसके बराबर होगा, ni स्क्वायर के। और ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे होगे, मीनिंग टेम्परेचर भी आप कांस्टेंट रख रहे होगे। ये बात में किसी को कोई दिक्कत है? रोल नंबर 14 दिशा श्रीवास्तव। यस सर। हाँ बेटा, कोई अभी तक जितना भी हमने चीजें डिस्कस किया उसमें कहीं पे कोई डाउट है? नहीं सर, अभी नहीं है। अभी कोई डाउट नहीं है? ओके। मास एक्शन लॉ और सारी चीजें तुम्हें क्लियर है? यस सर, अभी जो आपने पढ़ाया। ओके। अब प्रीवियस में? सर इसके पहले एक दिन वाली क्लास मैंने नहीं की थी सर, नेट इश्यू के वजह से। अच्छा, सभी लोग ऐसा करो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। जो पहले कर चुके हो अटेंडेंस मार्क, उसको दोबारा करना है बेटा? अभी अटेंडेंस मार्क किया है तो फिर मैं पहले फिर से करना है? नहीं, दोबारा नहीं करना, ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। तो प्लीज 15 सितंबर वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए। 15 सितंबर? हाँ बेटा, आज जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं आज वो सारी अपलोड हम कर देंगे। आज तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सारी हम अपलोड कर देंगे। ओके सर।
एंड आफ्टर क्लास गूगल क्लासरूम पे जो गूगल फॉर्म का भी लिंक मिलेगा उस पर भी सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर देंगे. सभी लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई थी क्या?